ये है सुजुकी मेहरान 1991 और ये है 1992, ये मुल्तान का नंबर है और वो जो है सरगोधा का नंबर है। आज हम इन दो कारों का रिव्यू कराएंगे, बहुत ही मुनासिब कीमत है और इंतहाई मुनासिब कीमत में आपको मिलेंगी ये दो कारें और इनका मुकम्मल रिव्यू लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो कारें हम लेकर आए हैं इनका मुकम्मल रिव्यू कराने लगे हैं। दोनों सुजुकी मेहरान हैं, 91 और 92 मॉडल, मुल्तान का नंबर और सरगोधा का नंबर 91 92। इनकी कीमतें इंतहाई मुनासिब है, रिव्यू कराएंगे। सबसे पहले मुल्तान का नंबर सुजुकी मेहरान जो कि 91 मॉडल है, 1991, इसका रिव्यू करा रहे हैं। आप इंजन रूम देख सकते हैं, इंजन रूम आपके सामने है और इंजन की जो कंडीशन है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, बोनट आपने देखा। मज़ीद आगे चलेंगे और इसके दरवाजे और सारा कुछ दिखाएंगे, मुकम्मल रिव्यू कराएंगे, कहीं मत जाइएगा। इनकी कीमत बहुत मुनासिब है, बहुत ही खूबसूरत गाड़ियाँ हैं, अच्छी कंडीशन की गाड़ियाँ हैं और इनकी कीमत इंतहाई मुनासिब है। ये आप देख सकते हैं कि हम गाड़ी का अंदर से रिव्यू करा रहे हैं, दरवाज़ा आपने देखा, सीटें बहुत खूबसूरत हैं, इंतहाई खूबसूरत हैं। इस जो कि 1991 मॉडल है, छत की अगर बात करें तो छाती बहुत ही ज़बरदस्त है और इसके अलावा सीटें मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं, बहुत खूबसूरती से बनाई गई हैं, इंतहाई खूबसूरत सीटें हैं। दरवाज़ों की जो सूरत हाल है वो आपके सामने, अच्छी कंडीशन है और ये बैक सीटें हैं, ये भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, डिग्गी भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा छत हमने आपको दिखा दिया है पहले से ही। तो ये सुजुकी मेहरान 1991 मॉडल, मुल्तान का नंबर और इसकी ये है डिग्गी, डिग्गी की वो साइड थोड़ी खुली हुई है लेकिन होती है, अमूमन इस तरह होता है। तो ये जो है डिग्गी आप देख सकते हैं, डिग्गी में सटपनी नहीं है और ये फिर आप लेते वक्त पूछ सकेंगे जब लेना चाहेंगे तो कि सटपनी है कि नहीं है, सटपनी मौजूद नहीं है लेकिन कंडीशन अच्छी है डिग्गी की। दरवाज़ा ये रहा दरवाज़ा तीसरा और तीसरे दरवाजे की पूरी पोजीशन भी बहुत ही बेहतर है, यहाँ से अगर सीटों का लुक देखें तो बहुत बेहतर नज़र आ रहा है। इसके अलावा चौथा और आखिरी दरवाज़ा हम आपको दिखाने लगे हैं, इसकी कंडीशन भी देखें, बहुत गुड कंडीशन है, कहीं से कोई मसला मसाइल नहीं नज़र आ रहा फ़िलहाल। जब आप आएंगे, इंजन चलाएंगे, इंजन चलाकर देखेंगे, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि इंजन की कंडीशन कैसी है। टायरों की अगर बात करें तो टायर बिल्कुल ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं टायर ये गुजारे वाला है, बैक टायर जो दिखा है वो बहुत ज़बरदस्त था, फ्रंट वाला ये टायर तो मज़ेदार नहीं, ये भी गुजारे वाला है लेकिन जो बैक टायर हैं, जो पिछले टायर हैं, दोनों ही ज़बरदस्त हैं। जब आप गाड़ी लेंगे तो दोनों जो बैक वाले टायर हैं वो फ्रंट पे ले जाने पड़ेंगे या फिर फ्रंट में नए टायर लगवाने पड़ेंगे क्योंकि फ्रंट पर ज़्यादा बोझ होता है। तो ये थी 1991 मॉडल, दोनों की कीमतें हम ज़रूर बताएंगे लेकिन अब 1992 मॉडल का रिव्यू कराते हैं क्योंकि ये भी वेटिंग पे है, इंतज़ार पे है किसी ग्राहक के, कि कोई ग्राहक आए और इसे ले जाए। तो ये आप देख सकते हैं 1992 मॉडल, सरगोधा का नंबर बताया गया है और इसके बोनट की अगर बात करें तो बोनट को थोड़ा बहुत जंग है लेकिन मॉडल ही पुराना है। कुप्पों की हालत आप देख सकते हैं, बैटरी इसमें मौजूद है, नई बैटरी नज़र आ रही है। इसके अलावा बाकी कंडीशन आपने देख ली है इंजन रूम की। और ये जो 1992 मॉडल है, सरगोधा का नंबर है, कीमत दोनों की बहुत ही कम है, मुनासिब है। जब हम आपको बताएंगे तो उम्मीद है आप खुश हो जाएंगे कि इन दोनों की कीमत बहुत मुनासिब है। तो ये दरवाज़ा है, दरवाज़े की सूरत हाल, तो दरवाज़े की सूरत हाल आपने देखी। अब बात करते हैं डैशबोर्ड की, मीटर की, डैशबोर्ड भी आप देख सकते हैं। सीटों की तरफ आएँ तो इसकी सीटें भी कम नहीं हैं, खूबसूरत सीटें हैं, छत भी बिल्कुल A1 है। और इसके अलावा जो बैक सीटें हैं, बैक दरवाज़ा पहले दिखाते हैं और उसके बाद बैक सीटों की भी बारी आती है, बैक दरवाज़ा भी बिल्कुल A1 है, आसानी से खुलता है, कोई इशू नहीं है। सीटों की बात करें तो सीटों का भी अच्छा खासा गुजारा है। और ये जो सुजुकी मेहरान है 1992 मॉडल है, सरगोधा का नंबर है, सीटों की कंडीशन भी गुड है। इसके अलावा अगर हम बात करें डिग्गी की तो डिग्गी की सूरत हाल आपके सामने है, डिग्गी आप देख सकते हैं, डिग्गी पर थोड़ा सा खर्चा ज़रूर करवाना पड़ेगा, ये जो गत्ता वत्ता लगवाते हैं इसमें भी स्टपनी मौजूद नहीं है, इसकी भी सूरत हाल आप देख सकते हैं और इसकी भी कंडीशन आपके सामने है। डिग्गी हमने आपको दिखा दी है, तीसरे दरवाजे की तरफ जाएंगे और तीसरा दरवाज़ा भी आपको दिखाएंगे।
ये रहा तीसरा दरवाज़ा और इसकी कंडीशन भी बहुत बेहतर है, बिल्कुल। और यहाँ से सीटों का लुक आपने देखा है। आखिरी दरवाज़ा है और इस दरवाज़े को भी आप अच्छी तरह देख लें, फिर आइडिया करें कि आपको दरवाजे कैसे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल A1 है, कहीं कोई दरवाज़ों में कमी बेशी नज़र नहीं आ रही है। और ये सीटों का लुक आपने यहाँ से भी देख लिया है। अब टायरों की बारी आती है और टायर दिखाते हैं। टायर बेहतर है पहली गाड़ी की नस्बत, इसके टायर बहुत बेहतर नज़र आ रहे हैं, अलायरम इंस्टॉल हैं और यही वजह है कि ये कीमत में भी थोड़ी उससे ज़्यादा है, थोड़ा सा फ़र्क है, अलायरम इंस्टॉल हैं। टायरों की कंडीशन की बात करें तो टायर तकरीबन 70-80% हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में टायर हैं, इसके टायर नहीं डलवाने पड़ेंगे। तो ये दो कारें थीं जिनका हमने आपको रिव्यू कराया है, दोनों की प्राइस बताते हैं कहीं मत हम आपको इनकी कीमत भी बताते हैं। अलायरम इंस्टॉल हैं, इसकी जो प्राइस डिमांड की जा रही है ये 1992 मॉडल है, सफ़ेद कलर की, सरगोधा का नंबर है, 3 लाख रुपए इस कार की डिमांड की जा रही है, मालिक की जानिब से 3 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है, 1992 मॉडल है, सरगोधा का नंबर है। अब आते हैं इस गाड़ी की तरफ, ये जो सामने आपको नीली गाड़ी नज़र आ रही है ये मुल्तान का नंबर है और इसकी जो प्राइस डिमांड की जा रही है 1991 मॉडल है, इसकी प्राइस 2,80,000 रुपये डिमांड की जा रही है, शायद इसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाए। नीचे मालिक का नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पर रब्ता करके मज़ीद बात कर सकते हैं और मज़ीद जो है जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। ये चमचमाती दो गाड़ियाँ पुराने मॉडलों में इंतहाई मुनासिब कीमत में हम आपके लिए लेकर आए थे, मालिक का नीचे नंबर आ रहा है, अगर आप मजीद कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हस्बे मामूल हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ घंटी के निशान को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसके अलावा जो है कमेंट्स में हमें बताइएगा कि ये दोनों गाड़ियां आपको कैसी लगी हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। ये गाड़ियां आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इनकी कीमत कैसी लगी ये भी बताइएगा। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़।